नमस्कार दोस्तों, अजय ट्रेडर्स के लाइव वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अभी 11:25 हुई है और अभी मैं आपको लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग करके बाद में मैं अपने चैनल पे पोस्ट करूंगा। तो अभी फ्रेंड्स आप देख रहे हो कि बैंक निफ्टी 42,600 के ऊपर चल रहा है और यहाँ से नीचे से एक ऊपर ट्रेंड लाइन जा रही है। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और इस येलो लाइन को ब्रेक किया यानी 42,000 को ब्रेक किया, 42,550 को ब्रेक किया तो नीचे आने की पूरी पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में। और अभी देख लेते हैं निफ्टी में क्या सीनियर बन रहा है फ्रेंड्स। अभी जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे निफ्टी में भी आप चेक करोगे कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल रहा है अभी निफ्टी में, और अगर फ्रेंड्स इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो वो भी नीचे आने की पूरी पूरी संभावना है। लेकिन अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप चेक करोगे बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है और अप साइड में जा रहा है। अभी यहाँ से हो सकता है इसका टारगेट ये 42,650 जाएगा और हो सकता है 42,680 पे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है बैंक निफ्टी में। इसका स्टॉप लॉस लगाइए, आप कॉल बाई कर सकते हो, 42,590 का स्टॉप लॉस लगा के कॉल बाई कर सकते हो फ्रेंड्स 600 वाला। और निफ्टी में भी ऊपर जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, जिसका टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स 5 मिनट में 18,233। दूसरा टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स 18,140 के ऊपर भी आने की पूरी पूरी कोशिश कर सकता है निफ्टी। और ये रहेगा हमारा स्टॉप लॉस 42,590 ये वाला, ये ब्लू कलर का है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 42,590। और ये हमारा पहला टारगेट रहेगा फ्रेंड्स 42,650। और निफ्टी में देख लेते हैं, निफ्टी में जैसे कि मैंने आपको बोला है फ्रेंड्स ये वाला उसका स्टॉप लॉस रहेगा 18,100 और टारगेट पहला रहेगा 18,123। तो आइए देखते हैं ICICI बैंक क्या कर रहा है फ्रेंड्स। अभी ये एक रेंज में फंस रहा है फ्रेंड्स ICICI बैंक, HDFC बैंक वो भी एक रेंज में फंसा हुआ है फ्रेंड्स। SBI बैंक क्या कर रहा है, SBI बैंक भी एक रेंज में फंसा हुआ है फ्रेंड्स 5 मिनट की चार्ट में। कोटक बैंक भी कुछ कम दिख नहीं रहा है, इंडस्ट्री बैंक वो भी एक रेंज में फंसा हुआ है। रिलायंस को देख लेते हैं फ्रेंड्स, रिलायंस भी इसी रेंज में फंसा हुआ है। अगर इसको कहीं पर भी जाना पड़े होगा ऊपर की साइड में तो उसको ये लेवल ब्रेक करना पड़ेगा 24,2063। तो ये देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है फ्रेंड्स। ये 5 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है मैंने स्क्रीन पे फ्रेंड्स। अगर आप ये इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेरी आपके रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले फ्रेंड्स। और अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा और इस येलो लाइन को ब्रेक करेगा तो आसानी से वो नीचे आ सकता है, जिसका टारगेट आएगा पहला फ्रेंड्स 42,470। और निफ्टी में फ्रेंड्स इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, यहाँ पे एक सपोर्ट है 18,090, ये जो है ना ये एक सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है, क्योंकि ये 200 का मूविंग एवरेज का हमारा लाइन है फ्रेंड्स। अगर इसको भी ब्रेक किया निफ्टी ने तो वो डायरेक्टली आ सकता है 18,075 तक आ सकता है। और अगर इसको भी ब्रेक किया येलो लाइन को तो और नीचे जा सकता है, और अगर फ्रेंड्स इस येलो लाइन को ब्रेक किया तो अपसाइड में जाने की पूरी पूरी कोशिश कर सकता है फ्रेंड्स निफ्टी 18,132 18,140। 30 पॉइंट मिला है फ्रेंड्स अभी आपको बैंक निफ्टी में। और निफ्टी में देख लेते हैं फ्रेंड्स, निफ्टी में भी ऊपर जा रहा है फ्रेंड्स। मुझे ऐसा लगता है ये हमारा टारगेट अचीव कर सकता है फ्रेंड्स अभी 42,650 का। आज फ्राइडे है तो आज मोमेंटम थोड़ी कम रहेगी फ्रेंड्स, क्योंकि आज ऑप्शन का प्राइस भी बहुत ही हाई रहेगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स RSI हम चेक करते हैं यहाँ पे तो RSI भी 50 के ऊपर है और MACD आप 0 के नीचे है। RSI अगर 50 के ऊपर रहता है तो वो उसमें बुलिश माना जाता है यानी अप ट्रेंड माना जाता है, और अगर फ्रेंड्स MACD पे उसके साथ 0 के ऊपर रहता है यानी ये सारा तो उसमें भी पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। लेकिन यार MACD 0 से नीचे है और RSI 50 के ऊपर है तो दोनों एक दिशा में नहीं है फ्रेंड्स 5 मिनट की चार्ट में। और सेम पैटर्न यहाँ पे निफ्टी में है, RSI 50 के पास है और MACD 0 के नीचे है। लेकिन ये देखते हैं यहाँ पे तो अभी ऊपर जा रहा है फ्रेंड्स। अगर इस लेवल को ब्रेक किया 18,123 को
तो और आपको 15-20-30 पॉइंट मिल जाएंगे निफ्टी में। और अगर बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स येलो लाइन को ब्रेक किया तो और आपको 50 पॉइंट मिल जाएगा। हमारे तरह के क्या रहना चाहिए फिर बैंक निफ्टी में 80 से 100 पॉइंट को अचीव करना और निफ्टी में 50 पॉइंट के आसपास अचीव करना। अगर फ्रेंड्स इतना अचीव हो जाता है और अगर आप एकदम मनी कॉल या पुट लेते हो बाय करते हो तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है 1 लॉट पे। और मैं कभी आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप एक साथ 10 लॉट लो या 20 लॉट लो, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। फ्रेंड्स जो भी कुछ लॉस रहेगा जो भी कुछ प्रॉफिट रहेगा वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। हमने टारगेट दिया है निफ्टी में 18,123 और अभी चल रहा है 18,118 पे चल रहा है फ्रेंड्स, तो करीबन उसके करीब का टारगेट अचीव हो गया है। और यहाँ से सेलिंग का प्रेशर बन रहा है फ्रेंड्स 5 मिनट की चार्ट में निफ्टी में। और अगर फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में भी रेड कैंडल बनी हुई है 5 मिनट की चार्ट में अभी चल रहा है फ्रेंड्स। अभी फ्रेंड्स निफ्टी को चलना होगा तो रिलायंस को चलना पड़ेगा और बैंक निफ्टी को चलना होगा तो HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, उन सबको चलना पड़ेगा, ये उनके कंपोनेंट है। और यहाँ पे आप चेक करोगे ICICI बैंक एक बॉटम बना रहा है फ्रेंड्स, अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा 8690 को ब्रेक करेगा तो नीचे आ सकता है फ्रेंड्स, जिसका टारगेट आएगा यहाँ से 868 और उसके बाद का टारगेट आ सकता है 867 ICICI बैंक। क्योंकि SBI बैंक भी क्या कर रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे वो सपोर्ट बना रहा है फ्रेंड्स, जिसको मैं अभी रेक्टेंगल पैटर्न से ड्रॉ करता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ से ये वाला इस जोन में फंसा हुआ है फ्रेंड्स SBI बैंक। HDFC देख लेते हैं फ्रेंड्स, HDFC का बहुत ही ज़्यादा डिपेंड रहेगा फ्रेंड्स। यहाँ पे एक साइड इस पे चला गया है हमारा HDFC बैंक, जिस तरफ वो ब्रेक करेगा उस तरफ बैंक निफ्टी भी जा सकता है फ्रेंड्स, ये वाला जोन। ओके फ्रेंड्स इसका यहाँ तक ले लेता हूँ मैं, ये है फ्रेंड्स निफ्टी का चार्ट। और यहाँ पे एक शूटिंग स्टार के अंदर बनाया हुआ है 5 मिनट की चार्ट में, अगर इसके पास शूटिंग स्टार के लो को ब्रेक करता है तो इसका पहला सपोर्ट मिलेगा 18,100 और दूसरा सपोर्ट मिल सकता है फ्रेंड्स उसको 18,090। इसके लिए आपको 18,120 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा अपसाइड में, 18,100 से लेके 18,090 यानी 20 पॉइंट का मूवमेंट दिया है फ्रेंड्स निफ्टी ने जब मैंने आपको ये बताया था तब। और बैंक निफ्टी ने फ्रेंड्स 20 पॉइंट का मूवमेंट दिया है, 20-25 पॉइंट का मूवमेंट दिया हुआ है। अभी देखते हैं अभी लाइव ट्रेडिंग चल रहा है फ्रेंड्स क्या होता है देख रहता है फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो फिर से ये ग्रीन कैंडल बना रहा है 5 मिनट की चार्ट में और ऊपर की साइड में जा रहा है फ्रेंड्स। अभी 42,624 पे चल रहा है फ्रेंड्स बैंक निफ्टी, और निफ्टी फ्रेंड्स चल रहा है अभी 18,115 पे। HDFC बैंक देख रहे हैं फ्रेंड्स, HDFC बैंक ने अभी हाई या लो ब्रेक नहीं किया है फ्रेंड्स 5 मिनट की चार्ट में, इस रेक्टेंगल पैटर्न में फंसा हुआ है फ्रेंड्स HDFC बैंक। तो यहाँ पे एक चेक करोगे तो यहाँ से ये एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है फ्रेंड्स फिर से आज HDFC बैंक। इसी ट्रेंड लाइन का फ्रेंड्स आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा ऐसे कंडीशन में, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हमें इस जोन से निकल जाना पड़ेगा। ये एक पेपर ट्रेडिंग के हिसाब से मैंने वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड्स कि हम कितने सही हो रहे हैं अभी। इसके लिए भी ये एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करेगी फ्रेंड्स निफ्टी में, लेकिन यहाँ मैंने अगर आपको बताया वैसे ही उसने इस कैंडल का लो ब्रेक कर लिया है फ्रेंड्स, शूटिंग स्टार कैंडल का भी देखते हैं कहाँ तक जाता है राउंड की साइड में निफ्टी। फ्रेंड्स मेरी यूट्यूब पर एज ए ट्रेडर्स नाम की एक चैनल है, उस चैनल पर मैंने बहुत सारा सेटअप लगाया हुआ है, टोटल 4 सेटअप है, उस सेटअप पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो और अर्न कर सकते हो फ्रेंड्स। ये सेटअप ऐसा है जिन्होंने सेटअप यूज़ किया है उसने बहुत सारा पैसा कमाया भी है, लेकिन उसके लिए आपको सिस्टमेटिक से काम करना पड़ेगा, वो सारे वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि उस सेटअप से आप कैसे काम कर सकते हो सेटअप पे। ओके निफ्टी में देखते हैं क्या होता है यहाँ पे आने के बाद। ओके सपोर्ट लेता है या इस सपोर्ट को ब्रेक करता है फ्रेंड्स निफ्टी व्यक्ति, जब तक 18,070 ब्रेक नहीं करता तो मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए फुट में भी। और बैंक निफ्टी में देखते हैं फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी में अगर 42,550 ब्रेक करता है यानी इस येलो लाइन को ब्रेक करेगा तभी आप पुट ले सकते हो। और हमारा टारगेट कितना रहता है फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में 80 से 100 पॉइंट और निफ्टी में 50 के आसपास पॉइंट, क्योंकि आज फ्राइडे है तो फ्राइडे में आज मूवमेंट भी बहुत कम रहेगी फ्रेंड्स। अभी हम देख लेते हैं फ्रेंड्स HDFC निफ्टी में एक चार्ट चल रहा है फ्रेंड्स, HDFC निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है फ्रेंड्स 18,130 पे और यह सपोर्ट के सहारे ऊपर जा रहा है फ्रेंड्स अभी। और US 30 में अभी उसका फ्यूचर चल रहा है, फ्यूचर में भी एक अच्छा खासा मूवमेंट आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, अगर इस जोन को निकालेगा तो
थर्टी 3100 को निकालेगा तो ऊपर जाने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी फ्रेंड्स यूएस 30 में, क्योंकि यहाँ पे डबल डबल टॉप बन रहा है फ्रेंड्स। ओके टाइम हुआ है फ्रेंड्स 11:40, हमने स्टार्ट किया था 11:25 में स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे आप देखोगे 15 मिनट हो चुका है फ्रेंड्स। अभी यहाँ से हम इस लाइन को भी ड्रॉ कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये वाला। ओके और निफ्टी में देख लेते हैं फ्रेंड्स, निफ्टी में ये हो गया हमारा। ओके वन डे के चार्ट में देखते हैं क्या हो रहा है फ्रेंड्स। वन डे के चार्ट में लिखते हैं, वन डे के चार्ट में आप चेक करोगे 42,737 उसके लिए हाई रेजिस्टेंस जोन है। अगर इसके ऊपर आज क्लोज होता है बैंक निफ्टी तो उसका नेक्स्ट टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स 43,100, और अगर इसको भी ब्रेक करेगा तो आएगा 43,400। और अगर फ्रेंड्स यहाँ से जो ट्रेंड लाइन जा रही है उसको ब्रेक करता है फ्रेंड्स यहाँ से ये वाली, तो नीचे जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में। अभी देख लेते हैं 5 मिनट के चार्ट में क्या हो रहा है फ्रेंड्स। अभी इसी चैनल में फंसा हुआ है फ्रेंड्स बैंक निफ्टी, और निफ्टी में देख लेते हैं फ्रेंड्स निफ्टी भी अभी सपोर्ट जोन के पास ही खड़ा हुआ है फ्रेंड्स। इस ट्रेंड लाइन के नीचे 5 मिनट की एक कैंडल क्लोज होनी चाहिए, उसके बाद की जो कैंडल बनेगी दूसरी वाली जो अगले वाली कैंडल के लो को ब्रेक करेगी तब वो हमारे काम की रहेगी फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि इसको ब्रेक किया तो हमने तुरंत फुट ले लिया, उसका बाद दूसरे कैंडल भी उसको फॉलो करने के लिए नीचे आनी चाहिए। अगर 590 ब्रेक करता है इसको तो हम पुट की तरफ भी जा सकते हैं फ्रेंड्स ऐसी कंडीशन में, क्योंकि हमने यहाँ पे जो कॉल लिया था उसका यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा। स्टॉप लॉस हमेशा फ्रेंड्स रखना चाहिए, इससे क्या होता है कि हमें ज़्यादा लॉस नहीं होगा फ्रेंड्स। में देख लेते हैं क्या हो रहा है फ्रेंड्स, निफ्टी में इस ट्रेंड लाइन के पास अभी चल रहा है फ्रेंड्स। अभी ये 5 मिनट का चार्ट है, अभी 3 मिनट बाकी है इस कैंडल को फिनिश होने में, तो हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक भी मार सकता है फ्रेंड्स निफ्टी, मल्टीपल सपोर्ट है यहाँ पे फ्रेंड्स। लास्ट 3 कैंडल को आप चेक करोगे 1, 2 और 3 तो उसने लोअर हाई बनाया है, यानी इस कैंडल का हाई देखो, इस कैंडल का हाई देखो, इस कैंडल का हाई देखो। अभी हमें ये देखना है कि इस कैंडल का हाई कितना होता है फ्रेंड्स, इस कैंडल के ऊपर का हाई मारता है या नहीं मारता है। वैसे ही बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं फ्रेंड्स, सेम सीनियर बैंक निफ्टी भी बन रहा है फ्रेंड्स, लोअर लो बन रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे 5 मिनट की चार्ट में 1, 2 और 3, और यहाँ पे सपोर्ट जोन पे अपने खड़ा हुआ है फ्रेंड्स अभी बैंक निफ्टी। फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है फ्रेंड्स, तो हो सकता है जब मैं पोस्ट करूँ तो कुछ पोस्ट में इसमें से कट कर सकता हूँ फ्रेंड्स वीडियो को छोटा करने के लिए। अभी बैंक निफ्टी है हमारा फ्रेंड्स, निफ्टी है फ्रेंड्स, निफ्टी ने अगले कैंडल का हाई को ब्रेक नहीं किया तो पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि इस सपोर्ट जोन को भी तो ब्रेक कर सकता है फ्रेंड्स निफ्टी। अभी HDFC बैंक क्या चार्ट कर रहा है फ्रेंड्स, HDFC बैंक ऊपर की तरफ जा रहा है, ICICI बैंक वो भी एक रेंज में फंसा हुआ है फ्रेंड्स, अपने सपोर्ट के पास खड़ा हुआ है ICICI बैंक, अगर ये ब्रेक करेगा SBI बैंक भी नीचे आने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। SBI बैंक ने इस रेक्टेंगल पैटर्न को ब्रेक किया है फ्रेंड्स टाउन की साइड में, कोटक बैंक यहीं पे फंसा हुआ है, HDFC बैंक देखते रहते हैं फिर से, अगर ये नीचे आएगा तो बैंक भी नीचे आ सकते हैं फ्रेंड्स। निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश तो कर रहा है निफ्टी यहाँ पे, कि निफ्टी के लिए हमें रिलायंस को देखना पड़ेगा, रिलायंस अगर इसको ब्रेक करेगा तो उसका नेक्स्ट टारगेट आएगा 40,2463, अगर इसको भी ब्रेक करेगा तो उसका टारगेट आएगा 2473, अगर ये 10-12 पॉइंट पर जाता है तो निफ्टी को भी ऊपर खींच सकता है फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी अभी सपोर्ट के पास घूम रहा है फ्रेंड्स, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है उसको, उसने 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम सपोर्ट लिया है, अगर बार बार यहाँ पे वो ब्रेक करेगा तो नीचे आ सकता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एक ही कैंडल में नीचे जा रहा है 42,576 आ गया है, वहाँ नेक्स्ट टारगेट रहेगा 42,555-60 बैंक निफ्टी में। इस ट्रेंड लाइन को उसने ब्रेक कर लिया फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं कि इस ट्रेंड के नीचे क्लोज होता है
या नहीं होता है बैंक नियुक्ति। और नियुक्ति में भी देख लेता है फ्रेंड्स, 18,100 को भी ब्रेक किया है, नेक्स्ट टारगेट रहेगा 18,090। डेढ़ मिनट बचा हुआ है फ्रेंड्स, हमने पहला टारगेट दिया था 42,500, 550, 560, लेकिन इसके बाद की जो कैंडल बनेगी उसको अभी उसको फॉलोअप के लिए आना पड़ेगा। तो 42,560 ब्रेक करेगा, 550 ब्रेक करेगा, तो वहां से हमें 70 से 100 पॉइंट का मूवमेंट मिल जाना चाहिए बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स। 42,560 को ब्रेक किया है फ्रेंड्स, अभी 550 को ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे राउंड फिगर रहता है वो एक साइकोलॉजी का एक सपोर्ट रहता है फ्रेंड्स, डाउन के साइड में, और अप साइड में रहता है उसका रेजिस्टेंस। निफ्टी देख लेता है फ्रेंड्स, निफ्टी में मैंने जो टारगेट दिया था डाउन के साइड में पहला वाला 18,100 ब्रेक करेगा तो उसका टारगेट आएगा 18,090, जिसका टारगेट आ गया है फ्रेंड्स, कि उसको इस टारगेट का आना चाहिए 18,076 तक। ये छोटे छोटे जो रहता है मूवमेंट उसमें कुछ मिलता नहीं है फ्रेंड्स, तो इसमें हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, ये तो हम सिर्फ एजुकेशन पर्पस से ही हम अपने लेवल के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। इसके नीचे रहेगा तो ही एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है फ्रेंड्स, 42,550 के डाउन में। अगर इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं, यानी इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे आप चेक करोगे, तो 42,600 से लेके 42,550 इस कैंडल का लो बनाया है फ्रेंड्स, 42,558। तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो 40 पॉइंट का मूवमेंट उसने मार दिया है फ्रेंड्स दो ही कैंडल ने बैंक निफ्टी में डाउन की साइड में। और अगर फ्रेंड्स निफ्टी में हम चेक करेंगे कि इस ट्रेंड लाइन से डाउन में हम देखेंगे, यानी इसका लेवल कौन सा 18,107 से लेके इस कैंडल का लो रहेगा 18,094, 10-15 पॉइंट ही उसने मारा है डाउन की साइड में फ्रेंड्स निफ्टी ने। अभी हमें ये चेक करना है कि इस येलो लाइन पे क्या कर रहा है, वो सपोर्ट ले रहा है फ्रेंड्स अभी बैंक निफ्टी फ्रेंड्स। जब भी ऐसा ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है उसी टाइम पे अगर आप कॉल या पुट बाई करते हो तो 40-50 अगर मूव मिलता है और उस मूवमेंट को भी आप कैचअप कर लेते हो फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में, तो आपको 10-15 पॉइंट तो आपको मिल ही जाएगा एक द मनी में और इन द मनी में फ्रेंड्स। और 10-15 पॉइंट का मतलब होता है यार फ्रेंड्स 250 से 300 रुपीस वन प्लॉट पे। जो लोग 300 रुपीस कमाने के लिए खेत में जो काम करते हैं वो 8-8 घंटे तक काम करते हैं फ्रेंड्स 300 रुपीस में, फैक्ट्री में भी इतना 300 रुपीस में पूरा 8 से 9 घंटा काम करते हैं फ्रेंड्स लेबर लोग। अभी फ्रेंड्स 42,550 को ब्रेक कर लिया और नीचे आ रहा है फ्रेंड्स। अभी हमें ये देखना है कि हमने जो टारगेट रखा था 70 से 100 पॉइंट वो अचीव होता है या नहीं होता है। इस ट्रेंड लाइन से अगर देखा जाए तो अभी 42,600 से लेके 42,550 यानी 50 पॉइंट का मूवमेंट हो चुका है फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में, यानी ट्रेंड लाइन का हमारा जो रहता है वो सक्सेसफुल हुआ है ऐसा मान सकते हैं डाउन की साइड में। अभी निफ्टी में भी देख लेते हैं फ्रेंड्स कि निफ्टी में भी फ्रेंड्स यहाँ पे आप चेक करोगे कि 18,107 से लेके 18,087 पे अभी आ रहा है फ्रेंड्स, और पूरा यहाँ से रेड के अंदर बन रहा है फ्रेंड्स निफ्टी में भी 42,500 पे थोड़ा तकलीफ हो सकता है, क्योंकि ये राउंड फिगर रहता है ना 42,500, वहाँ पे थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है उसको। अभी RSI आप चेक करोगे 5 मिनट में तो अभी चल रहा है 38 के करीब चल रहा है, और ये फ्रेंड्स MACD आप चेक करोगे तो 0 के नीचे ही चल रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि अभी डाउन के साइड में मूवमेंट ये जो मिला इसके हिसाब से हमें ये RSI और MACD का हमें लेवल देखने को मिलता है फ्रेंड्स यहाँ पे। सेम ऐसा फ्रेंड्स निफ्टी में भी होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप चेक करोगे तो उसने 50 पे था यहाँ पे, उससे सीधा नीचे ही आया है फ्रेंड्स। तो इस ट्रेड लाइन के पास था फ्रेंड्स 42,600 से लेके 42,528, यानी आप लिखा जाए तो यहाँ से 80 पॉइंट का हमें मूवमेंट मिल चुका है फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में 80 पॉइंट इस ट्रेड लाइन से लिखा जाए तो 80 पॉइंट पे अगर आप एक द मनी या इन द मनी का पुट लेते हो तो वहाँ से आपको मेरे ख्याल से 40 पॉइंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, 30 से 40 पॉइंट ओके मिनिमम 30 से 40 पॉइंट।
तो इसका मतलब ये होता है कि वन लॉट पे फ्रेंड्स आपको इनकम मिलता है 25 पॉइंट का वन लॉट होता है 25 इंटू 300 करोगे 400 करोगे तो 700 से लेके 1000 तक आपको प्रॉफिट मिलेगा फ्रेंड्स वन लॉट पे बैंक निफ्टी में। अगर ऐसी मूवमेंट आप पकड़ लेते हो तो ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तभी आपको फूट लेना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया फ्रेंड्स बैंक निफ्टी का। अभी हम देख लेते हैं निफ्टी में क्या हुआ है फ्रेंड्स। मैं इसको निकाल लेता हूँ फ्रेंड्स और उसके बाद इस वीडियो को मैं क्लोज करता हूँ क्योंकि ये आधा घंटे का वीडियो हो चुका है फ्रेंड्स। निफ्टी में देखो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का लेवल आएगा फ्रेंड्स 18107 और अगर फ्रेंड्स 18100 का हम पुट लेते हैं ऐसी कंडीशन में और उसने लो मारा है फ्रेंड्स, इस कंडे का लो कितना आया है फ्रेंड्स 18084 तो कितना पॉइंट का मूवमेंट हुआ फ्रेंड्स 16 से 20 पॉइंट का मूवमेंट हुआ। और मेरे ख्याल से 16 से 20 पॉइंट का मूवमेंट अगर इसी इसको ब्रेक करने के बाद तुरंत पकड़ते हो ट्रेड तो आपको यहाँ पे 5 पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा मिनिमम। अब 5 पॉइंट का मूवमेंट मिलता है तो यानी 50 का वन लॉट में 50 आता है फ्रेंड्स, क्वांटिटी 50 इंटू 5 करोगे तो 250 रुपीस आपको प्रॉफिट मिलता है फ्रेंड्स वन लॉट पे निफ्टी में। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो में अभी यहाँ पे ख़त्म करता हूँ क्योंकि अभी आधा घंटे के ऊपर के वीडियो बन चुका है और मैं इसको कट पेस्ट करके अपने YouTube चैनल पे फ्रेंड्स डाल लेता हूँ फ्रेंड्स। ओके, तो आशा करता हूँ ये फर्स्ट मेरा एनालिसिस है फ्रेंड्स, सिर्फ एजुकेशन पर्पज से लिए बनाया था मैंने ये वीडियो लाइव वीडियो जिसको मैं अभी अपने YouTube चैनल एज ए ट्रेडर्स पे अभी मैं पोस्ट करूँगा फ्रेंड्स। क्योंकि अभी मैं एक दो मिनट वेट करता हूँ कि क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि अभी एक मिनट बाकी है इस 5 मिनट के अंदर का क्लोज होने में। ओके फ्रेंड्स, तो मैं इस वीडियो को अभी यहाँ पे क्लोज करता हूँ। अभी ये ऐसा ही चलने वाला है फ्रेंड्स मार्केट। तो अगर आपको ये लाइव वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। मैं आपसे सिर्फ सब्सक्राइब का ही आपको बोल रहा हूँ ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।